आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रूलिंग गवर्नमेंट्स इन द वेस्ट आर बीइंग पनिश्ड बाय द वोटर्स फॉर एवरी राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। देयर पार्लियामेंट इज अबेज्ड विद कैंपेन्स मार्क्ड बाय क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया एज एन आउटसोर्सिंग हब। India is seen by many in the West as land of call centers and back offices with cheap labor that cost people in the West their jobs. तो यहाँ पे question पूछ रहा है आपसे, which of the following can be inferred? Okay, let's understand कि inference क्या होता है. Inference is something that can be indirectly concluded from the statement, जिसे आप indirectly conclude कर सको, कोई बात जो कि इनडायरेक्टली कही गई हो या कोई कंक्लूजन जो कि इनडायरेक्टली कंक्लूड किया जा सके तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। ओके, अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को हम चेक करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर बनता है। लेकिन उसके पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो वेस्ट के लोग हैं वो इंडिया को कैसे देखते हैं? आउटसोर्सिंग हब की तरह देखते हैं, राइट? या फिर कॉल सेंटर्स का लैंड समझते हैं इंडिया को, ठीक है? और वेस्ट से के जो लोग हैं वो ही इंडिया से आउटसोर्सिंग के लिए लोगों को हायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कम बजट में चीप लेबर के साथ मिल जाएंगे, ठीक है? कम पैसे देकर के भी उनको हायर किया जा सकता है। इसलिए तो इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इससे इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जो वेस्ट के लोग हैं वो अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं। इस वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन्स करते हैं। अपनी गवर्नमेंट जो है, उनकी जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या कहते हैं, पनिश कर रहे हैं रूलिंग पार्टी को। ओके, रूलिंग पार्टी को पनिश करते हैं, ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। नाउ अब इन्फ्रेंस में क्या क्या है, क्या आप इन्फर कर सकते हो वो देखते हैं। इन्फ्रेंस में फर्स्ट इन्फ्रेंस कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज नॉट एज सीवियर प्रॉब्लम एज दैट इन द वेस्ट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही ही नहीं गई है तो ये इन्फ्रेंस हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो ये स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है? कंपैरिजन तो किया ही नहीं जा रहा है स्टेटमेंट में। सेकेंड कहता है एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बैक ऑफिसेस एंड कॉल सेंटर्स इन द वेस्ट अर्न मच मोर देन देयर काउंटर पार्ट इन इंडिया। इट कैन बी इन्फर, इसे इन्फर किया जा सकता है, बट इसके पहले हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना एंड इंडिया डू नॉट आउटसोर्स देयर बैक ऑफिसेस जॉब एट ऑल टू अदर कंट्रीज। अगर नहीं करते चाइना या इंडिया आउटसोर्सिंग का काम तो लोग कैसे हायर करेंगे? दैट मींस कि आपका ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन आता है कंट्रीज विच डू नॉट आउटसोर्स जॉब डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट केवल आउटसोर्सिंग या की वजह से नहीं है, बहुत से रीजंस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। दैट इज वाई आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास आंसर क्या बचता है? आपके पास आंसर बचा है ओनली बी। और आप क्यों इन्फर कर सकते हैं इसको? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि चीप लेबर में इंडिया से लोगों को हायर किया जा रहा है। दैट मींस कि जो वेस्ट के लोग होंगे, अगर उन्हें जॉब मिलती है वही सेम जॉब जो वेस्ट के लोग हैं उन्हें सेम जॉब होती है तो वो ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, वो ज्यादा उनकी अर्निंग होती है बजाय इंडिया से जो लोग हायर किए जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बैक ऑफिसेस एंड कॉल सेंटर्स इन द वेस्ट अर्न मच मोर देन देयर काउंटर पार्ट इन इंडिया, ऐसा हम इन्फर कर सकते हैं, ऐसा हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आंसर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।